बीकानेर की जनता आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखती है और जिले के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्षेत्र के निवासियों ने इन मुद्दों पर दूरदर्शन से खुलकर बात की। बीकानेर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई मुद्दे हैं। ड्रेनेज और रेल फाटकों की समस्या से भी यहाँ की जनता जल्द से जल्द निजात चाहती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, लोकतंत्र को मजबूत करेगा वोट। वोट मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं दूंगी वोट। युवा हो या बुजुर्ग, सबका वोट है जरूरी। मैं जानता हूँ वोट की ताकत। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं भी डालूंगा वोट। ये सब करेंगे मतदान। आप भी 25 नवंबर को वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र में दें अपना योगदान। जनादेश 2023। अभी आने वाली सरकार में हमें जो अपेक्षा से है, जो हमारी चाहते हैं कि हमें ये सरकार से मिले, उसमें से मेन काम है एजुकेशन। सबको अच्छा एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो प्राइवेट की तरफ लोग जाएंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे अच्छा। दूसरा है एक बैंक से लोन सरलीकरण हो, कम दर पे हो। बाजार में लोग, गरीब आदमी को जब लोन मिलता नहीं है तो वो जाके बाजार से 2%, 5%, 10% और पर डे मिट्टी पे ब्याज भी लेते हैं। उसकी वजह से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये जो आसान लोन सिस्टम होगा ना, तो इससे लोगों को हर तरीके से सरकार की तरफ से फ़ायदा मिलेगा, लोगों को आसानी मिलेगी, अपने नुकसान से बचेंगे। रेल फाटकों की वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी, हाईकोर्ट की बेंच काफ़ी सालों से लंबित है, 2009 से संघर्षरत है बीकानेर की जनता, आज तक उसको कोई बेंच नहीं मिली है, जिससे बीकानेर की जनता काफ़ी परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हमें इस दो महत्वपूर्ण समस्या का निदान करने की पूरी पूरी आशा रखे। मैं आज बीकानेर की जो समस्या आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक व्यवस्था, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, परेशानी है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे पुलिस प्रशासन की कोई बड़ी भूमिका रहे, जिससे आए दिन आम जनता को नुकसान है और एक ना एक कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। सेकंड समस्या सूरसागर की बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो बीकानेर की जो इतनी रोडें, जहाँ भी किसी गली से निकले, टूटी हुई रोडें, बिखरी हुई रोडें, सिस्टमिक ढंग से है नहीं, नाले कवर है नहीं, आए दिन घटना होती रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी 2023 में मेरा प्रथम मतदान है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आने वाली सरकार से ये अपेक्षा रखती हूँ कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बेरोजगार पर अंकुश लगाने के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में, बालिकाओं के क्षेत्र में व सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के क्षेत्र में व पर्यावरण को सकारात्मक बनाने के क्षेत्र में व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय योजनाओं के क्षेत्र में काम करेगी। इसके लिए वह सकारात्मक कदम उठाए और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम सभी मिल करके, कदम से कदम मिला करके 100% मतदान करेंगे। हमारी बीकानेर वासियों की ये मांग रहेगी कि रेलवे फाटक बने, यहाँ एक खेल यूनिवर्सिटी बने। बीकानेर में और भी बहुत छोटे मोटे काम बाकी है, जो नई सरकार से आशा रहेगी कि काम जो नई सरकार बने वो ये जल्द जनता के लिए काम करे